सभी को प्रेम वंदन। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, ये जो मार्ग है, ये जो प्रेम अपने सेल्फ लव का जो मार्ग है, आत्मा को जानने का जो मार्ग है, शुरू शुरू में इस मार्ग पर चलते हुए भीतर अपने आप से परिचय होता है, खुद से परिचय होता है, अपनी कमजोरियों से परिचय होता है, और उस कमजोरियां जो है वो अंधेरे के रूप में दिखती हैं। वो कमजोरियां जब अपने आप को इंसान देखता है ना, तो खुद के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। समझ नहीं आता कि ये कौन सी यात्रा है जो गहन अंधकार में है। पहली बात तो ये समझें, ये अंधकार आप ही का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इन आंखों ने सदा बाहरी देखा है, इसको भीतर का पता ही नहीं है, इसको भीतर का पता ही नहीं है। दिया दूसरे को रोशन कर सकता है, दिया अपने नीचे का अंधकार नहीं मिटा पाता। तो ये आत्मा के अंदर शक्ति तो ऐसी है कि संपूर्ण संसार को रोशन कर दे, लेकिन ये खुद को खुद से नहीं देख पाती। इसलिए खुद को देखने के लिए ही किसी दूसरे की का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने संसार की रचना की। जो लोग कहते हैं ना, संसार आखिर बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि आपके नीचे का अंदर आप दूसरे के नीचे का अंधकार मिटा सको और कोई आपके नीचे का अंधकार मिटा सके। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना इस धरती का रहस्य समझ में नहीं आता। इसलिए दूसरे जरूरी हैं, लेकिन सभी आपके कल्याण हेतु हो, सभी आपका अंधकार मिटाने वाले हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग आपको गिराने वाले हैं, लोग आपको और अंधेरे में धकेलने वाले हैं। बुद्ध कहते हैं कोई कल्याण मित्र चाहिए, कोई आत्मा का कल्याण के स्वर सोचने वाला चाहिए जो आपका अंधकार मिटा सके। बस उसी को उन्होंने गुरु कहा, टीचर कहा, गुरु कहा, कि ऐसा जो भीतर का अंधकार मिटाए। लेकिन अंधकार मिटाने तक जब आपका अंधकार मिट जाए तो सीमित मत रहना, किसी और के लिए आप भी टीचर बन जाना, किसी और को समझा देना, किसी और के लिए आप भी अंधकार मिटाने वाले बन जाना। परमात्मा का तो, परमात्मा तो सबको सेम बख्शिश, सबको वो एक जैसी कृपा सब पर कर रहा है। अब आपने अपनी कृपा करनी है, सब पर कृपा है उसकी, लेकिन आपने खुद की कृपा अपने ऊपर करनी है। अपने आप को लगातार खुद पर मेहनत करनी है, खुद से ही, खुद के ही मानो अपने आप को ही अपने आप से खुद से पकड़ कर ऊंचा उठाना है। गहन दुख के दिनों में कोई साथ नहीं होता, गहन दुख के दिनों में केवल आप और आपकी अपनी ताकत ही साथ होती है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भगवान को बुला लो, परमात्मा को याद करेंगे, दुख में काम आएगा। मैं जब भी परमात्मा को बुलाता हूं तो दो रास्ते हैं ना, एक तो वो उसको प्रभु मानकर कि प्रभु आप आओ, आप बलवान हो, ताकतवर हो, मैं कमजोर हूं, बुद्धिहीन हूं, निरीह हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मतलब अपने आप को परमात्मा सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है, ऐसे कह के मानना, नहीं मेरा ये रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि अगर आप वो हो और वो आपकी वो आप सर्व समर्थ हो, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घट घट में आप ही समाये हो, तो मेरे घट में भी आप ही समाये हो, जाहिर सी बात है। और अगर आप ही समाये हो तो आपके पास कौन सी कमी है? ना आपके पास ताकत की कमी, ना आपके पास ज्ञान की कमी, ना आपके पास प्रेम की कमी, ना समस्याओं को सुलझाने वाले दिमाग की कमी। अगर आपके पास कमी नहीं है तो मेरे भीतर भी कमी क्यों रह जाए? फिर मेरे भीतर भी कमी क्यों रह जाए? तो मेरे भीतर की कमी को मुझे दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि में लीन करना पड़ेगा। मैं कहता हूं या तो मैं तुझ में लीन हो जाऊं या तू मुझ में लीन हो जा, बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है ये बात की अपनी सोच पर निर्भर करता है। भक्ति भाव, ज्ञानी कह रहा है कि तू मुझ में लीन हो जा, मैं ही सब कुछ हो जाऊं, और भक्त कह रहा है मैं तुझ में लीन हो जाऊं, तू ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाषा एक ही बोल रहे हैं। थोड़ा सा बस कान को यहां से ना पकड़ा, कान को यहां से घुमा के पकड़ लिया, इतनी सी बात है। इस बात को क्लियर समझना है, ये भाषा कि मैं एम्पावर्ड हो जाऊं, ये ज्यादा उत्तम है मेरे हिसाब से, ये ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको ताकत मिल रही है, आपकी महिमा बढ़ रही है, आपकी
आपकी विशालता बढ़ रही है, आप अपने आप को जान पा रहे हो, आप अपने आप को जान पा रहे हो, ये रास्ता मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। मैं अवेकन हो जाऊं, मेरी ताकत बढ़ जाए, क्योंकि अगर मेरी ताकत है, एक तुम कहते तुम देना साथ मेरा ऐ हम नवाज, तुम साथ देना, तुम बनकर साथ ना देना, तुम मैं बनकर साथ देना, मेरे ही भीतर मेरी ही ताकत बनकर साथ देना। क्योंकि हर जगह तो परमात्मा आपको कहते हैं कि दुख दुख में परमात्मा आपका साथ देता है, अगर भक्त से कुछ नहीं हो पाता तो भगवान करते हैं, बिल्कुल सही है। पर यही भगवान अगर मेरी आत्मा बनकर मेरे ही भीतर आ जाए तो भक्त ही भगवान हो जाए, ये ज्यादा उत्तम नहीं है? ये ज्यादा उत्तम है। लेकिन भक्त को अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ता है, उसकी ताकत को भीतर झेलने के लायक बनाना पड़ता है। उसकी ताकत इतनी विराट है तो खुद को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए उतना विराट बनाना, उस महान ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करना, ये हमारा लक्ष्य है कि आप हम उसके लायक हो जाएं। इसको सिर्फ जानने की जरूरत है। ध्यान अपनी जगह एक रास्ता है। ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान में जब भी कमजोरियां सामने आए ना, बुरा नहीं समझना, हाय मुझे अंधेरा दिख रहा है, मुझे ऐसी गलत चीज क्यों सामने याद आ गई, मैंने कोई कोई बुरी बातें, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ फालतू की बातें ऐसे दिमाग में आती रहती है और हम वहां पे घबरा जाते हैं, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका अंधकार है। घर में कचरा साफ करते हुए गृहिणी सभी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कचरा कर लेना चाहिए, अपने घर का कचरा आप ही साफ करना चाहिए, दूसरों से नहीं करवाया जाता। हमेशा अपने घर का कचरा देख के किसी जगह पर कचरा ज्यादा हो तो क्या डर जाते हो, इतना कचरा नहीं जी, क्या ज्यादा क्या, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी झाड़ू दो बार लग जाएगी उससे ज्यादा क्या होगा, एक बार मोटी झाड़ू लग जाएगी और एक बार बारीक वाली लग जाएगी और उसके बाद पोछा भी दो बार लगा देंगे, उसमें क्या होगा, इससे ज्यादा क्या। तो अपनी कमियां जब देखी, अपने अंदर का जो अंधकार है उसके अंदर जो कमियां देखी, तो हमने क्या किया, दो बार पोछा लगा दिया, बात तो इतनी सी है, दो बार झाड़ू लगा दी, थोड़ी सी सफाई कर दी, करना क्या है, न्यूट्रल होकर देखना और खुद को अपनी ताकत याद दिलाना, कौन हूं मैं, ओम हूं मैं, मतलब मैं परमात्म स्वरूप हूं, ओम हूं, शिवोहम हूं। तो जब भी अपने अंदर की नकारात्मकता दिखाई पड़े, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं शिव रूप हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जागृत हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, आपको खुद को ताकत याद दिलाओ, हे प्रभु तुम ये कर दो, हे प्रभु मुझे अंधेरा से छुटकारा दिला दो, हे प्रभु ऐसा कर दो, ये वाली भाषा में ना हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट रह जाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरे परमात्मा है जो, पर वो और मैं एक ही है, जब आत्मा और परमात्मा एक ही है तो मुझे मैं बनकर मिलना, मुझे मैं बनकर मिल, दुखद स्थिति में मैं तुझे पुकारने लायक बनू ही ना, ऐसा भी स्थिति आ जाती है लोगों के ऊपर, माफ करना कहना पड़ता है लेकिन स्थिति आ जाती है, शरीर ऐसा कभी कभी इतना, मतलब ऐसी अवस्था होती है, दुख वाली अवस्था होती है, पीड़ा वाली, कि आस में कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो हर जगह थोड़े भगवान आते फिरेंगे, भगवान आए तो मेरी आत्मा बनकर आए ना, मेरी ताकत बनकर आए, मेरी हिम्मत बन के आए, मेरा कॉन्फिडेंस बनकर आए, मेरा आत्मविश्वास बन के आए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बनकर आए, वो ज्यादा उत्तम है, वो ज्यादा उत्तम है, उसमें मेरी ताकत बढ़ रही है। और अपनी ताकत अपनी ही ताकत है, अपना पैसा अपना ही पैसा है, बेशक कोई कितना कह दे चिंता मत कर, चिंता मत कर, बहुत बहुत मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारा दोस्त कह दे कि जरूरत के टाइम बुला लियो, बहुत पैसा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सचमुच आप दूसरे के पैसे पर डिपेंडेंट रहते हो क्या? दे देगा कोई बात नहीं, आपको खुद से खुद का कमाना पड़ता है। किसी घर में कितनी ही खुशियां क्यों ना मन रही हो, अपने पड़ोसियों के इधर के उधर के, लेकिन आपका दुख आप ही का दुख है, आपके घर में आपके हाथ में पीड़ा हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है, दूसरे के घर में कितनी भी खुशियां क्यों ना मन रही हो, वो आपकी उसकी खुशियां से आपकी पीड़ा दूर नहीं हो जाएगी, आपकी पीड़ा दूर करने के लिए आपको खुद एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको खुद के साथ अपने घर में दवा रखनी पड़ेगी, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरा कितना भी कह दे, कोई कितना भी कह दे कि तुम्हारे मेरे पास ये है वो है, दवाइयों की मेरी दुकानें भरी पड़ी हैं, सो व्हाट, मेरे लिए तो किसी काम के नहीं ना, मेरे लिए मेरा दुख सर्वोपरि है, मेरी चीजें सर्वोपरि हैं, इसलिए मेरे को अपनी बीमारियों का इलाज भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरा कितना भी आश्वासन दे दे, दूसरा है। किसी फॉरेन ऑथर ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है द अदर इज हेल, द अदर इज हेल, कोई दूसरा जो भी है ना, जो भी है
वो नर्क है। इसमें खुद पर फोकस करना, खुद पर, इसका मतलब स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। स्व के थ्रू अर्थ, बड़ा अर्थ निकालना, स्वार्थ, स्व के अर्थ हेतु ही परमार्थ, स्वांत सुखाए बहुजन हिताए, यही से पैदा होता है। अगर मैं कैपेबल हूं तो मेरे द्वारा और भी सुखी हो जाएंगे, अगर मैं खुद को ही नहीं सुखी रख पाता तो दूसरे मुझसे कहां सुखी हो पाएंगे। स्वांत सुखाए बहुजन हिताए, तो पहले मुझे खुद के लिए अंदर कैपेबल होना पड़ेगा, ऑल कैपेबल, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल ताकतवर होना पड़ेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दें, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दें। और याद रखना, दूसरों के भरोसे पर नहीं रहना कहीं पर भी। मैं देखता हूं जो लोग, जो बुजुर्ग, जो माता पिता बच्चों के भरोसे, बच्चे करेंगे, बच्चे नहीं करते। देखा है उन्हीं बच्चों को, बच्चे उठाकर, माता पिता को उठाकर वो बुजुर्गों वाले घर में जाके डाल देते हैं, सीनियर सिटीजन की जो जगह बनी होती है वहां जाकर भेजाते हैं। क्यों ऐसा होता है सोच के देखिए। इन माता पिता ने अपनी कमांड अपने हाथ में रखी होती, थोड़ा पैसे वैसा अपने कंट्रोल में रखा होता, सारी जिंदगी गुलामी करते ये बच्चे, क्यों ना करते। आपने सारा कमांड दे दिया, बच्चों पर मुझे बहुत ट्रस्ट है, भरोसा है। अपनी आत्मा के सिवा किसी पर भरोसा ना करना, किसी पर भरोसा नहीं, बस बस खुद पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा पर भरोसा, अपनी आत्मा पर भरोसा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को जगाना, अपने आप को खींच खींच कर जगाना, अपनी ताकत को। मेरी ही ताकत मेरी ही दुखों के समय में काम आएगी। सुबह जैसे खुद को हर नकारात्मक चीजों से हम बचा के करते हैं ना, सुबह जब उठा नहीं जाता तो अपने आप को समझाते हैं, अपनी कमजोरियों को कंट्रोल करने के लिए मन आलसी होता है तो खुद से बात करते हैं ना, खुद को समझाते हैं, उठ रे मना, उठ, तेरा ब्रह्म मुहूर्त निकलता जा रहा है, अमृत वेला निकलता जा रहा है, समझाते हो ना। दूसरों के भरोसे कब तक रह पाओगे, किसी का भरोसा नहीं चलता। हाँ, थोड़े समय का साथ जरूरी अच्छा है, कोई दूसरा आपको खुद पर भरोसा करना सिखा दे, बस यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। लोग जब से किसी को थोड़ा प्रेम दो तो आपका साथ सदा बना रहे। मैं कहता हूं मेरा साथ बना रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम्हारा अपनी आत्मा के साथ साथ बना रहे मित्र, ये याद रखना। तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाना, दुख के समय कोई साथी नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा ही साथी होगी। इसलिए अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना, पावरफुल बनाना, अपनी ताकत को जगाना। जब शिवो हम का चैंट करना तो शिव इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट है। शिव हूं मैं, आनंद हूं मैं, सच्चिदानंद हूं मैं, इसका मतलब अहंकार नहीं है। ये अहंकार नहीं, अहंकार ये कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी, मैं जितना श्रेष्ठ हूं आप भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। सारे गुण जो मुझ में है वो आप में भी है, जो परमात्मा में है वो मुझ में है, परमात्मा में है वो आप में है। सिर्फ उनको जानना और जगाना, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, खुद के अंदर ही, खुद अंतिम समय, अंतिम हर डिफिकल्ट कंडीशन में आपकी अपनी आत्मा ही सहयोगी बनेगी, कोई दूसरा नहीं बनेगा। तकलीफ आपको हो, पड़ोसियों की कितनी भी दवाएं हो आपके काम नहीं आ सकती, पड़ोसियों के पास कितना भी धन हो आपकी निर्धनता दूर नहीं कर सकता, पड़ोसियों के पास कितनी भी खुशियां हो, किसी के पास भी, तुम्हारे उन रिश्तेदारों के पास कुछ भी क्यों ना हो, स्त्रियां इसीलिए गड़बड़ कर जाती हैं। ध्यान रखना, जब बात कहनी पड़ती है तो पूर्णता के साथ कहनी पड़ती है, किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं होती। मेरा बेटा है ना, साथ निभाएगा। बेटों की हालत देख लिया करो, लास्ट में क्या होती है। तुमने धन का साथ अपना पकड़ा होता ना, मेरा कंट्रोल मेरे पास में, मकान मैंने बनाया, कंट्रोल बच्चे को कैसे कैसे दे दूं। जब तक मैं हूं मेरे ही कंट्रोल में चीजें रहें, मेरी ही ताकत है, मेरा पैसा मेरा ही पैसा है, दूसरे के पैसे पर, दूसरे की ताकत पर, दूसरों के रिश्ते पर, दूसरों के प्रेम पर, दूसरों के ज्ञान पर नहीं जिया जाता। जिया जाता तो अपने आप पर जिया जाता है। खुद को याद दिलाना अपनी ताकत, और खुद के लिए चीजें इकट्ठी करना, और खुद के पास इतना हो कि मैं सबको बांट सकूं। हमारा भाव क्या है, खुद के साथ इतना हो मैं सबको बांट सकूं, सबको दे सकूं, क्यों ना दूं। हे परमात्मा इतना दे कि मैं सबको दे सकूं, इतना दे, और देने को कमी रखी है उसने।
हम भिखारी की तरह मांगते ही रह जाए तो बात अलग। मैं इतना मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, सभी के लिए मांग रहा हूं। जब मैं सबके लिए मांग रहा हूं, प्रभु जितना मुझे दिया है मेरे से डबल मेरे पड़ोसियों को दे, मेरे से ज्यादा मेरे चाहने वालों को दे, मजा ही आ जाए। मेरे से ज्यादा दे, सबको दे। जब हम ये बात करते हैं ना, तो परमात्मा भी जानता है अबंडेंस, उसके पास सब कुछ है। साचे साहेबा, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं है तेरे पास, सब कुछ है। तो जब मांगा ही जाए तो ऐसा मांगा जाए जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। स्वार्थी होकर, मतलब केवल बात समझना है, स्वार्थी अपने अंश में मांग रहे हैं लेकिन अपने अंश में भी बांटने के लिए मांग रहे हैं। मुझे दे, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मेरे अंदर की ऊर्जा मेरी ही ऊर्जा बन जाए, तू मुझ में मैं बनकर आ। भगवान को कह रहे हैं, तू मुझ में मैं बनकर आ, मेरी ताकत बनकर आ, मेरा पेशेंस बनकर आ, मेरे दिल में प्यार बनकर आ, पैसा बनकर आ, क्योंकि सब चाहिए, बिना पैसे के भी संसार मानने वाला नहीं है। मेरे पास पैसा बनकर आ, पैसा से मैं दे सकूं लोगों को, होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो कहां से दूंगा। ताकत बनकर आ, मोटिवेशन बनकर आ, हिम्मत बनकर आ, जब मेरे भीतर कुछ होगा तो बांटा भी जा सकेगा। तो परमात्मा से यही मांग रखना, हिम्मत मांगना, ताकत मांगना, पावर मांगना, और उसे कहना कि मेरी आत्मा बनकर मेरे भीतर बैठ, मैं खुद को जगा पाऊं और मेरे द्वारा संसार जागा जा सके, यही मांग रखना। बात को समझ लेना, समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। कितनी ही बार हम सेल्फ डाउट पर उतर आते हैं, परमात्मा के पास सब कुछ है, फिर भी भरोसा तो अपनी ही आत्मा का, चलेगा, बोलो हाँ या ना। भरोसा तो अपनी ही आत्मा का चलेगा, परमात्मा के पास सब कुछ है, सो वॉट, मेरे किस काम का। जो मुझे मिला वही मेरे काम का। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा, इसी को सेल्फ डिपेंडेंसी बोलते हैं। अपने ऊपर डिपेंडेंट हूं मैं, अपने ही ऊपर डिपेंडेंट हूं। खाना बनाना नहीं आता, किसी पर डिपेंडेंट हो गए, वो आपको गुलाम बनाएगा। किसी दिन नहीं आया, खाना बनाने वाली नहीं आई, किसने खाना नहीं बनाया, जैसा बनाया उल्टा बनाया सीधा बनाया, तुम्हें खाना पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे। परमात्मा मजबूरी किसी को ना दे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। जब जरूरत पड़े कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, जब जरूरत पड़े कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, और अपनी ही ताकत से चीजें चलाई जाती हैं। इसी तरह पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, सेहत के मामले में, दुनिया कितनी ही आपकी, कितना भी आपका सहयोग करने वाली क्यों ना हो, आपने जो अपने शरीर का ख्याल रखा हुआ होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखा होगा, दुनिया कितनी भी पूछ ले जी आप ठीक, ऐसे हो वैसे हो, ये है, 2500 बार फोन कर करके डॉक्टर्स आपके अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो, पर सेहत का ख्याल, शरीर का ख्याल जो आपने खुद का रखा होगा वही काम आएगा। दूसरे कितना भी कर लें, दूसरे दूसरे हैं, आप नहीं है, याद रखना। अपनी सेहत का, अपने शरीर का, अपने आप का ख्याल आपने खुद रखना है, तो खुद के ऊपर ही काम करना है, खुद के साथ ही। बस इसी को सेल्फ लव बोलता हूं मैं। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमने कभी खुद के साथ प्यार करना सीखा नहीं, इसलिए हम हमेशा दूसरे को महत्व देते आए हैं। और खास तौर पे स्त्रियों का तो माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि बस दूसरों के लिए कुर्बान हो जाओ, दूसरों के कुर्ब लिए कुर्बान हो जाओ, बस मेरा बेटा मेरी बेटी। मैं बोलता हूँ ना, एज ए काउंसलर जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, दिन में अगर 20 लोगों की काउंसलिंग हो, 15 लेडीज होती हैं, और लेडीज भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर नहीं, उसमें से 80% जो लेडीज हैं वो ज्यादातर अपने अपने और अपनों की प्रॉब्लम लेकर बैठी। मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम, मेरे पति को ये प्रॉब्लम, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम, मेरे उस रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम, मेरे ससुर को ये, मेरी सास को ये। खुद को तुम्हें क्या है भाई, तुम अपनी बात भी करोगे नहीं करोगे, तुम्हारी कोई ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही अपने बारे में। मैं बोलता, अच्छा तुम अपने बारे में क्या, नहीं अपने सब ठीक है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब ठीक कैसे है, तुम्हारी अपनी भी कोई हस्ती है कि नहीं है, ये ठीक वो ठीक वो ठीक वो ठीक वो ठीक सब ठीक, इसके ठीक, सबके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है, स्व में ही परमार्थ छुपा है। जिसने खुद का कल्याण नहीं किया वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, इसीलिए उनको इतने दुख क्यों झेलने पड़ते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर फोकस बना रखा है, दूसरों पर नहीं, खुद पर फोकस। मुझे खुद को खुद से ठीक रखना है, मैं अपने लिए हूं, और जो अपने लिए पा लिया,
जिसने अपने आप के अंदर पा लिया, जिसने अपने आप को परमात्मा के भीतर रूप में जान लिया। अब ये कोई अहंकार नहीं है। शिवो हम, जब मैंने कहा तो कुछ बुरा कहा, जब मैंने कहा सच्चिदानंदो हम कुछ गलत कहा, बिल्कुल भी नहीं। अपने ही आप को देखकर बोला, अपनी ही आत्मा को देखकर बोला। सोहम जैसे महावाक्य नहीं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य कहां से निकले हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये किसने देखा? जब भीतर देखा, अपने ही भीतर देखा, तो पाया कि तू ही परमात्मा है। चलो इतना बड़ा विराट ना सही, छोटा सही, अपने घर के लिए तो सूरज ना सही, दिया सही, अपने घर का अंधेरा तो मिटा सकता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, बन के दीपक जलता चल, अपने दिए से खुद को ही रोशन कर। लेकिन दिया भी ऐसा बन, पहले अपना अंधकार मिटा और फिर दूसरों के नीचे का अंधकार भी तेरे द्वारा मिट जाएगा। पहले खुद का अंधकार मिटा, अपने पर काम कर, और मिटेगा, क्यों नहीं मिटेगा, कहीं जरूर मिटेगा। भरोसा रख अपने आप के ऊपर, वो समय आएगा, बहुत अच्छे से वो समय आएगा। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो ईशान से कि तूफान भी रुक जाए, चलो ईशान से कि तूफान भी रुक जाए। इसलिए अपने आप को किसी कश्ती का मोहताज नहीं करना, अपने आप पर डिपेंडेंट रहना है। कश्ती भी मैं, पतवार भी मैं, ये अहंकार नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंसी कहलाती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, यही जज्बा रखना, यही जज्बा रखना। हर हर डिफिकल्टीज आएंगी, सबके ऊपर आती हैं, और जो जितना ऊंचा चढ़ेगा उसके साथ उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगे, क्यों ना आए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यहीं से निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। तो इसको अच्छे से अपने दिल में भरोसा पक्का कर लेना। समय बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं बात पूरी समझ में आ गई होगी। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते कि बाहर बाहर जब लाइट जलेगी तब हम चीजें ढूंढेंगे। उन्हों अपनी ही लाइट अपने ही भीतर लेकर चलते हैं। बस इतना ही सही, जुगनू ही सही, थोड़ा सा प्रकाश ही सही। अपने आप को ही प्रकाशित कर लूं, अपने आसपास का अंधेरा में डालूं, हो जाएगा। तू एक दिन तू दिया ढंग से बन जा, परमात्मा तुझे सूरज ना बना दे तो कह देना। तू दिया ही बन जा, परमात्मा तुझे सूरज बना के बिठा देगा। एक दिन जरूर होगा, ऐसे ही होगा। बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। खूब खूब प्रेम आशीष। ऐसे ही खुद पर मेहनत करते, खुद को अपग्रेड करते चले जाना गुरु, और अपनी ही आत्मा के अंदर परमात्मा को जानकर अपनी ही आत्मा को लगातार अपग्रेड करके लेकर चलना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। बस वहां तक बात ठीक है, प्रभु तक बात ठीक है, लेकिन प्रभु तुम ही सब कुछ हो और तुम मेरे भीतर समाये हो, मेरी बात से एक स्टेप और आगे जाती है। सब कुछ हो तुम और सब कुछ मेरे भीतर है, तो मैं ही सब कुछ हूं, ये ज्यादा अच्छा है। इसमें अहंकार भी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, ये ज्यादा उत्तम है। बात समझ में आ रही है? जरूरी है, ये जरूरी है। कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकती है आपके मन को, लेकिन जरूरी है, राइट? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।